भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महेश्वर तहसील के मंडलेश्वर में भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। सांसद पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर असफल नजर आ रही है। पटेल ने कहा कि लगातार बारिश से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री और विधायक सत्ता का सुख भोग रहे हैं। किसान अपनी नष्ट हुई फसलों को देखकर खून के आंसू बहा रहा है, लेकिन राज्य सरकार और नेताओं के पास समय ही नहीं है। इस दौरान पटेल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को सड़क अपराध, रोजगार के साथ किसानों की कर्ज माफियों, खराब फसलों के सर्वे जैसे मुद्दों पर असफल होने का आरोप लगाया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने मार्च पास्ट करते हुए एसडीएम ए रजाबत को ज्ञापन सौंपा और किसानों की फसलों का सर्वे किए जाने की मांग उठाई। जिस प्रकार से अधिक अतिवृष्टि हो रही है, उसमें जो किसानों की फसलें खराब हुई है, उन फसलों को मुआवजे के लिए हमने कमलनाथ सरकार से मांग की है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह जी एवं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा पूरे प्रदेश में 230 विधानसभाओं में यह आह्वान किया गया कि किसानों के आंसू पोंछे जाए, उनके दुख दर्द में शामिल हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी उनके दुख दर्द में शामिल हुई है और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के राज्यपाल महोदय तक हमारी मांगों को इस प्रकार से पहुँचाया है कि जो जो मांगे किसानों की थी, उन सब मांगों को लिखित आज एसडीएम कार्यालय बड़वा में हमने एसडीएम महोदय को दी है और उनके माध्यम से हम कमलनाथ सरकार दें कि यदि राशि अति शीघ्र नहीं दी गई तो हमें चरणबद्ध तरीके से और आंदोलन आगे करेंगे। पर हमें चाहते हैं कि उनका उचित मुआवजा जो भी होता है सर्वे करवा कर अति शीघ्र किसानों को दिया जाए।